ओके सो हे गाइस, बस सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं आप सभी इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है? कहाँ से हम ऐड फोटो हम इसको ले लेते हैं। एंड गाइस, जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको इरेज करना नहीं आता, मैंने उसके ऊपर ही प्रॉपर वीडियो बनाई थी, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उस वीडियो से। तो गाइस, अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे आपको अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है? मॉडल को लगाने के बाद यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना लेना अपने मॉडल का, एंड उसको सेम साइज में वैसे ही लगा देना है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अपने मॉडल को जो है एफएक्स में ले जाना, यानी इफेक्ट में, ठीक है। एंड इसके बाद जाना आपको कलर्स में, फिर उसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ले लेना है, एंड इसको प्रेस करके इसका अमाउंट जीरो कर देना है, एंड यहाँ पे मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको अगेन नेगेटिव वाला ले लेना है, एंड इसको भी मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद जाना कलराइज में, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आप जैसे एंड में आओगे तो थोड़ा रेड होगा, तो उससे आप थोड़ा सा मतलब कि आगे की तरफ बढ़ा दोगे, यहाँ पे ऑरेंज कलर हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इसको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है इरेजर टूल में, एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, एंड इरेजर पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड इसकी हार्डनेस को कम कर देना है, एंड इसके बाद ब्रश पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से साइड साइड में पेंट कर देना है, ठीक है? जो मतलब कि गाइस, हमारा जो फायर आ रहा है ना, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, वो फायर का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो गाइस, आप सभी को अभी लग रहा होगा कि यार ये मतलब ये तो ऑरेंज है, और वो जो पीछे का कलर वो थोड़ा रेड रेड से है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको मैच कराएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको जाएंगे, ले जाएंगे हमारे ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देंगे हम ओवरले, ठीक है? ओवरले कर देंगे, एंड दिखेगा अभी भी थोड़ा रिफ्लेक्शन कम है, तो इसको क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे, एंड एक हम इसको डुप्लीकेट करके यहीं पे लगा देंगे। तो गाइस देखिए, एकदम बिल्कुल मैच हो चुका है हमारे बैकग्राउंड से। तो उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड उसके बाद आप सभी को ये वाला PNG ले लेना है, ठीक है? तो इस वाले PNG को लेने के बाद आप सभी को कुछ इसको पहले मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसको हम इस साइड से रोटेट कर लेंगे। एंड गाइस, आप सभी को इसको लगाना कैसे तो मैं पहले बताता हूँ। देखिएगा, पहले आप सभी को इस वाले को लेना है, ठीक है? इसको इस PNG को आप सभी को पहले ऐसे कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास ऐड कर लेना अच्छे से, ठीक है? एंड उसके बाद जो है उसको मूव डाउन कर देना है, ठीक है? इसको मूव डाउन कर देना है, इरेजर टूल में नहीं जाना, इसको मूव डाउन कर देना। पहले इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, गाइस ओपेसिटी फुल कर दो, अब इसको ओपेसिटी की कोई जरूरत है नहीं वैसे इसको छेड़ने की, इसको फुल ही रहने दो। एंड इसको मूव डाउन कर दो पीछे की तरफ, एंड एक इसका आपको लगा लेना है डुप्लीकेट, ठीक है? ऐसे ही सेम डुप्लीकेट कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है इरेजर टूल में, एंड जो इसके इरेजर है इसको हार्ड रंग से फुल कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को ओनली क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जो इसका अंगूठा है आगे का, इसको इसके पास से हम इरेज कर देंगे, ठीक है? तो आपको इतना इरेज कर लेना है, एंड खाली जो अंगूठा इसको इतना रहने देना है, एंड जो बाकी का ज़्यादा इरेज हो गया इसको मैं यहाँ पर पूरा फिल कर देता हूँ, ठीक है? देखिएगा, इस परफेक्ट है बिल्कुल। तो अब क्या करना है, आप सभी को जो आगे का जो एरिया है जो आपके सर के पास आ रहा है यहाँ पे, इसको हम ऐसे सिंपली इरेज कर देंगे आगे का एरिया, ठीक है गाइस? तो इरेजर के लिए क्लिक करते हैं, एंड गाइस यहाँ से हम आगे का एरिया इरेज कर देते हैं। तो देखिए गाइस, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आप सभी को आपसे के सामने लगा दिया है ना गाइस? तो आप सभी को भी कुछ इसी टाइप से कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आपको इसके ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन डालना है, ठीक है? जो आपके ने अभी PNG लगाना है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन डालना है। तो उसके लिए करेंगे हम एक एड फोटो में जाएंगे, और आप सभी को ये वाला PNG ले लेना है, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको स्क्रीन कर देना है। यहाँ पे स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को सिंपली आपको उसको बीच में रख देना है, रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली चारों तरफ चली जाएगी इसकी, ठीक है? चाहो तो आप इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी तो ये रिफ्लेक्शन सब जगह जा ही रही है इसकी, है ना? आप सभी को दिख रहा होगा, देखिएगा इसको जिस टाइप से मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप सभी को कुछ कर लेना इस तरीके से, एंड यहाँ पे कर देना डन, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा इसको फोटो को जो है क्रॉप कर लेना है। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, एंड यहाँ से हम फोटो को थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पर डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को एक PNG और लगानी है, तो उसके लिए हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से हम इस PNG को ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से फुल कर देना है, एंड कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो काफ़ी परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे हमारी फोटो। तो अब क्या करना है, आप सभी को अब इस फोटो कर लेना सेव, ठीक है? तो इस फोटो को सेव कर लेंगे, एंड इस पर हम कलर करेक्शन करेंगे, उसके बाद ही असली रिजल्ट आएगा हमारे सामने। तो यहाँ से हम लाइट रूम ऐप को हमने ओपन कर लिया है। तो अब आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना इस लाइट वाले ऑप्शन में, इसकी पहले हम लाइट एडजस्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट है जिसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको बढ़ा लेते हैं हाईलाइट को, ठीक है? एंड उसका शेडो जो है इसको कम कर देना है आपको, एंड जो व्हाइट है इसको बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देना है, ठीक है? उसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, एंड जाना मिक्स टूल में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है,
एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी कहाँ से ये इसमें येलो कलर में जाना है, ह्यू माइनस कर देना है, सेचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको डार्क ब्लू में जाना है, इसके सेचुरेशन को चाहो तो पूरा माइनस कर देना, चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कर देना है एंड पर्पल कलर इसका भी सेचुरेशन माइनस, एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है, ठीक है, हल्का विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोट रिडक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।